शरीफ बहू और चालाक सास। प्रीतम दिव्या से शादी करके जब घर आता है तो उसकी माँ सरस्वती ये देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, प्रीतम ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी इजाजत के बगैर तूने एक लड़की से शादी कर ली, क्यों? क्या मैं तेरे लिए अब कुछ भी नहीं हूँ? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी हो रही थी इसलिए जल्दबाजी में मैंने मंदिर में शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू है। प्रणाम माँ जी, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूँ। प्रीतम ये क्या है, मैं इस लड़की के जात फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं जानती, कैसे इसे अपनी बहू मान लूँ? माँ इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मैं दिव्या से शादी कर चुका हूँ, आपको इसे अपनाना ही होगा। मैं इसे किसी भी सूरत में अपनी बहू हरगिज नहीं मानती। तूने मेरे बेटे से शादी करके मुझसे पंगा लिया है, अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। माँ जी एक मौका तो दीजिए। गुस्से में सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है। आगे क्या होगा, क्या सरस्वती दिव्या को कभी अपना पाएगी या सरस्वती ऐसा कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगी, और क्या इन सब के बाद दिव्या अपने सास का दिल जीत पाएगी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दो दिन बीत जाते हैं, सरस्वती अब तक दिव्या से कुछ नहीं बोलती है। तभी वो खाना लेकर आती है। माँ जी एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपके लायक बहू बनकर दिखाऊंगी। दो दिन हो गए आपने मुझसे कुछ भी बात नहीं की, प्लीज खाना खा लीजिए, खाने का टाइम हो गया है, प्लीज माँ जी खा लीजिए। ठीक है रख दे खाना, अब मैं खा लूंगी। दिव्या खाना रख देती है और सरस्वती खाना खाने लगती है और अपने मन में कहती है, खाना तो इसने अच्छा बनाया है पर मैं इसे जीतने नहीं दूंगी, अभी बताती हूँ। अरे ये क्या है, कैसा खाना बनाया तूने, नमक भी नहीं है बिल्कुल भी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नमक ले आती हूँ। रहने दे, मुझे तेरे हाथ से खाना ही नहीं खाना, और मैं नमक को खाने में ऊपर से डालकर खाने वालों में से नहीं हूँ। तू मेरी परफेक्ट बहू कभी नहीं बन सकती। माँ जी माँ जी सुनिए तो, माँ जी मैं माँ जी का दिल जीत के ही रहूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी। सरस्वती की चालाकी की वजह से दिव्या को ऐसा लगता है कि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया। कुछ देर बाद सरस्वती भारी सी गेहूं की बोरी घसीट कर उसके सामने लाकर कहती है, बहू आटा खत्म होने वाला है तो तू ये जितने भी गेहूं है इसे आज ही बीन कर धोकर धूप में सुखा दे, कल पिसवाना है। पर माँ जी ये तो बहुत सारा है, मैं इसे आज ही कैसे बीन पाऊंगी, और मुझे कपड़े भी धोने थे, घर के काम के साथ ये आज नहीं हो पाएगा। बस बहाने बनवा लो, जरा सा काम क्या दे दो, मैं नहीं जानती मुझे तो ये सारा काम आज करके देगी, चाहे जैसे भी पर समझ ले ये तेरी परीक्षा है। ठीक है माँ जी मैं कर लूंगी, अगर ये मेरी परीक्षा है तो। कर ले जितना चाहे मर्जी, तू परीक्षा दे ले, पर इस परीक्षा में तू सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी चालाकी से तुझे इतने सारे गेहूं में कंकड़ पत्थर डाल कर दिए हैं कि तू उसे आज साफ कर ही नहीं पाएगी, और बदले में पूरे घर का काम भी करेगी, अब आएगा मजा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरस्वती उसे अपनी चालाकियों के कारण टॉर्चर करने लगती है। बेचारी दिव्या छत पर बैठकर धूप में सारे गेहूं बीनने लगती है, बारीकी से छानकर उन्हें साफ करती है। बाप रे बाप, धूप से सारा बदन जल रहा है, पर मैं यहाँ से एक मिनट के लिए भी हिल नहीं सकती, मुझे ये गेहूं शाम तक हर हालत में साफ करने हैं, और रसोई में बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। गेहूं को साफ करते करते दिव्या की हालत बुरी हो जाती है, फिर उसे पानी में साफ करके छत पर सुखा देती है। शाम के 6 बज जाते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी बर्तन को धोकर कपड़े धोती है और शाम का दिया जलाती है। अरे बहू तूने गेहूं साफ किए या नहीं किए, और शाम का दीपक कौन जलाएगा? माँ जी ये लीजिए प्रसाद, मैंने पूजा कर ली और गेहूं भी साफ कर दिया और घर का बाकी काम भी कर दिया। अरे बाप रे बाप, दो दिन साफ होने वाले गेहूं इसने आज कैसे साफ कर दिए, और घर का काम भी कर लिया, बिना कहे पूजा भी कर ली, लगता है इससे भी ज्यादा मुझे कोई मुश्किल काम देना होगा। माँ जी आप क्या सोच रही हैं? लीजिए प्रसाद। हाँ दो। अच्छा तुमने सारा काम कर लिया। खाना बनाकर बहू बेटे सो जाते हैं, पर सरस्वती अपने कमरे में जागते हुए चक्कर लगा रही थी। अरे क्या करूं जिससे उस दिव्या को सबक सिखा सकूं? आइडिया, अपने बेटे का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाऊंगी और अपने बेटे के आगे गलत साबित करूंगी। ये सोचने के बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। अगली शाम वो अपनी बहू के सामने खांसते छींकते हुए आकर कहती है, बहू अच्छा
अरे बाप रे बाप, मेरी तो नाक गला बंद हो गई खांसी जुकाम के चलते। तो माँ जी आप काढ़ा पी लीजिए ना, उसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसे पीकर और छींक आती है मुझे, फिर सर दर्द बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ बहू, जा तू चाय बनाकर दे दे। ठीक है माँ जी। ये कहकर दिव्या उसे चाय बनाकर दे देती है। कुछ देर बाद प्रीतम ऑफिस से आ जाता है। उसके आते ही सरस्वती छींकने खांसने की और एक्टिंग करने लगती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, दिव्या से काढ़ा बनवा लेते। अच्छू बेटा, बोला था मैंने उसे, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि उसकी सास को क्या हो रहा है, एक चाय बनाकर दे दिया मुझे। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, अभी बुलाता हूँ मैं। दिव्या 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 जल्दी इधर आओ। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं, क्या हुआ? तुमने माँ को काढ़ा बनाकर क्यों नहीं दिया? देखना उनकी तबीयत कितनी खराब है, सिर्फ चाय पीकर वो कैसे ठीक होंगी। प्रीतम जी मैंने माँ जी को बोला था पर उन्होंने मना कर दिया था। बेटा ये झूठ बोल रही है, मैंने इससे बोला था पर इसने ही मना कर दिया। जब से मैं कितना परेशान हूँ, तू तो जानता है काढ़ा पीकर कितनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। यही फर्क है लव मैरिज की शादी में, बहू सास को पूछती नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रीतम जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने मना किया मुझे। ये कहकर वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। सबके जाने के बाद अंगूर खाते हुए सरस्वती कहती है, अरे वाह मेरा आइडिया काम कर गया और दोनों के बीच फूट भी पड़ गई, बड़ा सुकून मिला उसकी आंखों में आंसू देखकर। 3 दिन बीत जाते हैं, प्रीतम और दिव्या के बीच कुछ ठीक नहीं होता। वहीं सरस्वती परेशान करने के लिए उसे बहुत सारी सूखी लाल मिर्च लाकर कहती है, बहू जरा इसे पीस दे, ये ले मसाले में कूट दियो अच्छे से। मसाले में क्यों माँ जी, मिक्सी ग्राइंडर में पीस देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। जितना बोल रही हूँ उतना कर। सरस्वती की बात सुनकर वो धान में लाल मिर्च कूटने लगती है, जिससे उसे बहुत खांसी और छींक आती है। हाचू, मिर्ची कूटने की बस मेरी नाक में आ रही है। मिर्च सारी कूट कर वो हाथ धोने जाती है, इतने में सरस्वती कहती है, अरे बहू जल्दी आ मेरे पास, मेरा सर फट रहा है, जल्दी मालिश कर दे। माँ जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बोला ना तू कहीं नहीं जाएगी, मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दबा। जी माँ जी, मिर्ची के हाथों से ही मुझे अब सर दबाना पड़ेगा। ये कहते ही वो सरस्वती का सिर दबाने लगती है। कुछ देर बाद ही सरस्वती के माथे पर जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है, मार डाला, अरे मोरी मैया, मेरे तो बहुत जलन मच रही है कृष्ण कन्हैया। अरे बहू तू मुझे मारना चाहती है ना, मिर्च के हाथों से तूने मेरे सिर की जानबूझकर मालिश की। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हाथ धोने जा रही थी पर आपने जाने नहीं दिया मुझे, आप रुकिए मैं बर्फ लाती हूँ। तभी दिव्या हाथ धोकर बर्फ लाकर अपनी माँ जी के जलन वाली जगह पर लगाती है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। बहू मुझे माफ कर दे, तू जब से घर में आई है तब से मैंने तेरे साथ बुरा किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम दोनों के बीच फूट डलवा दी। मैं जानती हूँ माँ जी आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शायद आपने ऐसा किया। हाँ बहू, पर सच कहूँ तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, मैंने तुझे अपना लिया। सच्ची माँ जी? तभी प्रीतम उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ मत कहो माँ, मैंने सब सुन लिया, आपको अपनी गलती का पछतावा है और आपने दिव्या को अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है, अंत भला तो सब भला। इस तरह सास बहु मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं, धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर, राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी। पन्ना अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, फिर खाएंगे क्या, ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांध कर घर लौटते हुए
खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किबाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना धिक्कार है जो मैं भर सक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहाँ बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहाँ बूढ़े दंपति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और धमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोछ कर उसे गजोधर के आगे बिछा कर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश के हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं, एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोधर उन्हें माथे पर लादकर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक गोभी आलू ये लो भैया, रस्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोल कर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रख कर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा।
उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीद कर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जॉन से हम कल सब्जी खरीद रहे, इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया जो बीत गया वो बीत गया, अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है, तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींच कर बड़ा करता है, वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है, तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवा कर वहाँ सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ ना हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। चंद्रपुर के छोटे से गांव में एक संगीता नाम की लड़की अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। संगीता बहुत गरीब थी और वो एक दिन अपने घर को चलाने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप है, इतनी धूप में तो बर्फ पिघल कर पानी हो जाए, शरीर का अंग अंग जल रहा है और ऊपर से कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अब ऐसी हालत में कहां जाऊं, कहां काम ढूंढूं? संगीता सड़क के किनारे चल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, लो कर लो बात, गरीबी में आटा किला, वही हो रहा है मेरे साथ, एक तो काम नहीं है और ऊपर से ये चप्पल भी टूट गई है। तभी संगीता को सड़क के किनारे एक मोची वाला दिखाई देता है। अब मेरे 10 रुपए और खर्च हो जाएंगे इस चप्पल को जुड़वाने में। संगीता अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर मोची के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मोची को चप्पल देते हुए वो कहती है, अरे भाई साहब जरा देखना मेरी चप्पल टूट गई है, इसे जल्दी से जोड़ दो, मुझे काम ढूंढने भी जाना है। मोची वाला संगीता की चप्पल लेकर उसे जोड़ने लगता है, जिसके बाद संगीता उसे काम करते हुए देख उससे पूछने लगती है, अरे भाई साहब इतनी भरी गर्मी में आप यहाँ बैठकर लोगों की चप्पलें जोड़ रहे हो, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? अरे जब काम के अच्छे पैसे मिल जाएं तो फिर कैसी गर्मी, अरे अपना पेट पालने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ता ही है। तभी उसकी बातें सुनकर संगीता अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये भैया कह तो सही रहे हैं, जब काम है तो मेहनत भी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाकर अगर अच्छा काम कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है, वैसे इस मोची के काम में कोई बुराई नहीं है, क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं। संगीता ये सोच ही रही होती है कि तभी वो मोची वाला संगीता से कहता है, ये लीजिए आपकी चप्पल जुड़ गई है, अब आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ये लो भैया आपकी मेहनत के पैसे, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, आप दिन भर में यहाँ बैठकर कितना कमा लेते हो? अब क्या बताएं कि हम कितना कमा लेते हैं, दरअसल इतना तो हो ही जाता है कि मेरे घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं, कभी कभी कमाई अच्छी हो जाती है तो कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ। मोची की ये बात सुनकर संगीता बिना किसी संकोच के वहां से निकल जाती है और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है, क्या बात है, कल से मैं भी मोची का काम शुरू कर दूंगी।
क्या पता इसी के चलते मैं अपने घर की हालातों को ठीक कर पाऊँ। ऐसा सोचते हुए संगीता अपने घर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास उर्मिला और अपने ससुर दुर्योधन और अपने पति सुभाष को बुलाकर उन सबसे कहती है, देखिए हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम सभी रोज रोज खाने के एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। कल से मैं मोची का काम शुरू करने वाली हूँ। रोज रोज नौकरी के चक्कर में मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद का काम करूँगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? अरे अगर कोई तुम्हें मोची का काम करते हुए देखेगा तो हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा? हाँ आप लोग समाज की इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे कभी समाज वालों ने हमारे घर में आकर राशन डाला है क्या? किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेहनत करके पैसा कमाओ, इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देख बहू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर के हालातों को देख कर चुप बैठने वालों में से नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो काम तुम करना चाहती हो तुम करो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अपनी सास उर्मिला से इतना बड़ा फैसला लेकर संगीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद संगीता अगले दिन सुबह ही मोची का सारा सामान लेकर एक बस स्टैंड के पास बैठ जाती है। जो भी वहाँ से गुजरता है उसके पास कभी अपने बूट पॉलिश करवाता तो कोई अपनी टूटी हुई चप्पल संगीता से जुड़वाने लगता। देखते ही देखते वो पूरे दिन बैठकर मोची का काम करती, जिसके चलते वो पहले दिन में ही अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह क्या बात है, मोची के काम में तो सच में बहुत पैसा है। लोग इतने से काम के लिए पैसे देकर जाते हैं। काश ये मैंने पहले ही सोच लिया होता तो आज हमें इतनी दिक्कत ना होती। संगीता रात को जब घर जाती है और अपने घर वालों को उसकी कमाई दिखाती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक साथ खुशी खुशी बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे संगीता मोची का काम करती रहती है। कई लोग संगीता को उसके अच्छे काम के ज्यादा पैसे भी देकर जाने लगते हैं, क्योंकि संगीता अपने काम को बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ किया करती थी। आओ आओ अपनी बूट पॉलिश करवाओ और पुराने जूतों के ऊपर पॉलिश करवा कर उन्हें नया जैसा बनवाओ। संगीता की आवाज़ सुनते ही धीरे धीरे करके कई लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे जरा मेरे जूते फट गए हैं, क्या तुम उन्हें सिल दोगी? हाँ हाँ साहब क्यों नहीं, लाइए जूते उतार के दीजिए, मैं अभी के अभी आपके जूते सिल कर देती हूँ। जूते सिलने के बाद संगीता उस आदमी से 50 रुपए मांगती है, जिसके बाद वो आदमी उसे 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, बस इसी तरह मेरे ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखना, इस तरह मैं अपने परिवार को चला पाऊंगी। देखते ही देखते धीरे धीरे संगीता की मुसीबतें कम होने लगती हैं। वो अच्छा खासा खुद का काम कर रही थी, लेकिन ये सब गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आता और वो संगीता को देख देख कर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब देखो तो सही इस उर्मिला की बहू को, इसने तो मोची का काम करते करते अपने घर के सभी हालातों को ठीक कर लिया। आखिर ऐसे कितनी कमाई होती होगी मोची के काम में? लगता है खूब मोटा पैसा आवत है। एक काम करो, हम भी इसी काम को खोल कर बैठ जाते हैं, खूब सारा पैसा कमाएंगे हम दोनों भी। लेकिन हम सभी के पास तो पहले से ही दुकान है, पहले हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मोची के काम के ऊपर। अरे उमेश भाई तू इतना क्यों चिंतित हो रहा है भाई, हम कौन सा उस बेचारी के पैसे छीन कर ले जा रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। उस दिन के बाद से गांव के कई लोग मोची का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगीता की कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है और वो रोजाना की तरह एक चौथाई हिस्सा ही कमा पाती है। एक दिन संगीता अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी ये लीजिए अपनी दवाइयाँ। इसमें से कुछ दवाइयाँ मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब से गांव वालों ने हमारे आसपास मोची का काम करना शुरू किया है तब से ही मेरी कमाई आधी से भी कम हो गई है। ये तो जमाने की रीत है बहू, कोई भी आजकल किसी को देखकर खुश नहीं है, सबके अंदर पैसा कमाने की एक लत है। लेकिन कोई नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर वाला सब देखता है। संगीता अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव के लोगों से मोची का काम हो ही नहीं पाता और वो लोगों के जूते चप्पल गलत तरीके से सिल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत ज्यादा सुनने भी लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग मोची का काम छोड़ देते हैं,
धीरे धीरे संगीता का काम दोबारा से बढ़ने लगता है, जिसके चलते संगीता फिर से अच्छा खासा कमाने लगती है और देखते ही देखते वो एक अच्छी खासी टिकाऊ मोची की दुकान खोल लेती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे।